महासागर विज्ञान के अध्ययन के समय हम लोग महासागरी जीव मंडल अर्थात फाइटो और जूप्लैंकटन का अध्ययन किए, जिसमें सबसे अधिक संवेदनशील प्रवाल हैं और यह प्रवाल महासागरी पारिस्थितिक तंत्र का सबसे मजबूत पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं और इसको महासागरी वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। किंतु आज दुर्भाग्य है कि विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग हो रही है, जो एक चुनौती है पर्यावरणविदों के समक्ष और महासागर विज्ञान वेत्ताओं के समक्ष और भारत और विश्व के विभिन्न सरकार और विश्व समुदाय के समक्ष। आइए हम लोग देखते हैं प्रवाल विरंजन है क्या, इसकी यांत्रिकी क्या है, इसके कारक क्या हैं और इसकी रिपोर्ट क्या है। प्रवाल एक सूक्ष्म जीव होता है, मैरीन माइक्रो बायो ऑर्गेनिज्म, जो कि समुद्र में होता है अर्थात जल में होता है और इसको सिलेंटरेट पॉलिप कहा जाता है। और यह प्रवाल जीव होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन यह जुड़ा होता है एलगी से या घासों से, और इस एलगी को जुक्संथलाई एलगी कहा जाता है, जो कि इंडो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती है प्रवाल के साथ। इंडो सिम्बायोटिक रिलेशन माने हुआ, सिम्बायोटिक माने सह अस्तित्व, सह अस्तित्व माने हम तुम एक दूसरे के लिए जिएंगे। इंडो सिम्बायोटिक माने इसका और इसका टिश्यूज के माध्यम से आंतरिक संबंध है, ऊर्जा का लेन देन भी है। जैसे जुक्संथलाई एलगी या घास की जड़ें इस प्रवाल के टिश्यूज से जुड़ी होती हैं और इसके टेंटिकल्स होते हैं इस एलगी के, और यह जुक्संथलाई एलगी हरे रूप में इसके टेंटिकल्स के ऊपर लगी रहती है। और यह एलगी है, यह समुद्र का फाइटोप्लैंकटन है, समुद्री घास है, इसलिए प्राकृतिक रूप से यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है, क्योंकि उथले जल में जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ जाता है वहाँ पर यह पाई जाती है और प्रकाश संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा यह एलगी या जुक्संथलाई एलगी तीन चीज़ें बनाती है, शुगर, एमिनो एसिड, लिपिड, और तीनों को बना के अपने टिश्यूज से सप्लाई कर देती है। किसमें ये चलाता है, इस सिलेंटरेट पालिप या प्रवाल में, और प्रवाल को उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह जीता है, बढ़ता है, स्वस्थ रहता है और अपनी प्राकृतिक क्रियाएं संपन्न करता है। इस प्रवाल को 90% ऊर्जा इस जुक्संथलाई एलगी से ही प्राप्त होती है, जो कि मुख्यतः तीन तत्वों से पाती है, लेकिन बदले में यह कोरल इस एलगी के अस्तित्व के लिए भी कुछ चीज़ें देता है। तभी तो हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। यह तीन चीज़ें तो जुक्संथलाई एलगी ने दिया, बदले में इस कोरल ने इसको तीन चीज दिया। एक CO2, क्योंकि यह घास है, इसको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, इसको नाइट्रेट की ज़रूरत है, इसको फास्फेट की ज़रूरत है। इस तरह से एक स्वस्थ साइकिल चलती है और यह एक अजीबोगरीब दृश्य है, जो कि प्रकृति ने, प्रकृति को इस जगत की जननी कहा जाता है, उसने बनाया है, अर्थात जीव और जीव पर घास दोनों का सह अस्तित्व या इंडो सिम्बायोसिस। लेकिन इसमें कोई न कोई बाधा तो आएगी ही, क्योंकि यह मृत्यु लोक बाधा लोक ही है और दोनों के अस्तित्व में एक संबंध बिगाड़ने वाला खतरा पैदा हो जाएगा। क्या है, कैसे है, कैसे कोरल ब्लीचिंग होती है, आइए हम यहाँ देखते हैं। जुक्संथलाई एलगी के टेंटिकल्स पर कुछ हरे रंग की वस्तुएं मिलती हैं, वही हरा रंग
फोटोसिंथेसिस करता है और एनर्जी देता है इसके टिश्यूज को, और ये सब एनर्जी देते हैं इस कोरल को। लेकिन यदि जल का तापमान बढ़ गया तो बढ़ जाने से यह जो ऊपर के ग्रीन कलर हैं इनका रंग चेंज हो जाता है और इनका संबंध इस तंतु से टिश्यू से टूट जाता है और यह फैल जाते हैं, जल में तैरने लगते हैं। यह फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते क्योंकि यह अजैविक हो जाते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके देंगे भी किसको, इनका रिश्ता तो अलग हो गया। इस तरह से यह अगर अलग अलग हो गए, तापमान लगातार ज़्यादा रहा, तो कुछ देर में यह जल के लहर धारा ज्वार के कारण दूर हट जाते हैं, रिश्ते बहुत दूर के, फलस्वरूप इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका कैल्शियम का निक्षेप प्रवाल के रूप में जमा हो जाता है। किंतु यदि इनकी किस्मत अच्छी है, बढ़ा हुआ जल का तापमान तुरंत प्रकृति के कारण सामान्य हो गया, तो यह हरे शैवाल इन टिश्यूज पर आ जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण करना शुरू कर देते हैं, इनको ऊर्जा की सप्लाई शुरू कर देते हैं और इन टिश्यूज को ऊर्जा मिलने लगती है, जीवित हो जाते हैं, और वह ऊर्जा इस प्रवाल में आ जाती है। प्रवाल भी खुशी के मारे प्रसन्न होकर के नाचने लगता है, वृद्धि करने लगता है, और वह अपने पुराने स्वास्थ्य को प्राप्त हो जाता है इस, और प्रकृति को शुक्रिया अदा करता है। इस तरह से यह एक चक्र रहा जिसमें कि प्रवाल विरंजन की स्थिति यह है, लेकिन विरंजित प्रवाल पुनः अपने स्वस्थ अवस्था में आ सकता है। लेकिन अगर दुर्भाग्य है जल का तापमान पर्याप्त समय तक अधिक बना रहा तो निश्चित रूप से वह समाप्त भी हो जाता है। इस तरह से यह रहा सिम्बायोसिस अर्थात सह अस्तित्व की स्थिति। उसमें तापमान का बढ़ना एक ऐसी बाधा है जिससे कि प्रवाल विरंजन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रवाल विरंजन का यहाँ एक कारण जल के तापमान में वृद्धि ही है, जबकि उसके आज वैज्ञानिकों ने कई कारण ढूंढ निकाले हैं। सब कारणों को दो वर्ग में रखा जाता है, एक वर्ग है प्राकृतिक कारक और दूसरा वर्ग है मानव जनित या मानव कृत कारक। प्रकृति कैसे प्रवाल विरंजन करती है यह तो सनातन काल से ही करती चली आ रही है, लेकिन प्रकृति अगर दो को जुदा करती है तो उनको मिलाना भी जानती है। आदमी तो जुदाई ही करना जानता है, इसलिए आइए हम पहले नेचुरल प्राकृतिक कारकों को सीखते हैं। पहला कारक है O2 डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन जू प्लैंकटन। कभी कभी महासागरों में विभिन्न सूक्ष्म और बड़े जीवों का आधिक्य हो जाता है, परिणाम वह महासागर के जल के घुले ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे घुले ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, फलस्वरूप प्रवाल को नहीं मिल पाती, इसलिए वो मर जाते हैं। दूसरा कारण है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस। कभी कभी जैसा कि ओजोन का विनाश हो जाता है, ओजोन की परत क्षीण हो जाती है, इसलिए पराबैंगनी किरणों के आने वाली मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, जो समुद्र के जल में प्रवेश कर इन सूक्ष्म मुलायम जीवों प्रवाल को डैमेज या क्षतिग्रस्त कर देती है। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज्ड सेडिमेंटेशन। कभी कभी वर्षा अधिक होने के कारण नदियाँ अधिक मात्रा में अवसाद ले जाती हैं। इस अवसाद में क्ले चिकनी मिट्टी का अवसाद भार अधिक होता है, जिससे जल की गुणवत्ता में कमी होने से यह प्रवाल उस जल को नहीं ले पाते और मर जाते हैं। अगला पॉइंट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे हमारे स्थल मंडल के जीवों में बैक्टीरिया होता है, इन्फेक्शन का काम करता है, ऐसे महासागर में भी कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, उनके इन्फेक्शन से
प्रवाल ढेर हो जाते हैं। अगला पॉइंट है चेंज इन सैलिनिटी, कभी कभी खारापन की मात्रा में भी अंतर हो जाता है, जिसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग है। यह एक सामान्य खारापन की मात्रा की अपेक्षा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी खारापन बढ़ा या घटा इनके अस्तित्व को आँच आ जाती है। अगला पॉइंट है एक्सट्रीम लो टाइड एंड एक्सपोजर, कभी कभी उच्च ज्वार या स्प्रिंग या हाई टाइड आता है तो वह 4 मीटर से भी अधिक ऊंचा होता है। ज्वार का जब लोएस्ट पॉइंट होगा तो वह बहुत नीचे तक चला जाएगा, जिससे प्रवाल कभी कभी खुलकर वायुमंडल में आ जाते हैं और वह वायुमंडल में तापमान अल्ट्रावायलेट इत्यादि के चपेट में आकर नष्ट हो जाते हैं। अगला है एलिवेटेड सी लेवल, बढ़ा हुआ समुद्र स्तर, जैसे इस समय ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसके कारण सी लेवल उठ रहा है, उसका निश्चित रूप से कोरल पर प्रभाव पड़ेगा। अगला पॉइंट है मिनरल डस्ट फ्रॉम अफ्रीकन डस्ट स्टार, विश्व का सबसे बड़ा शुष्क उष्ण मरुस्थल अफ्रीका में सहारा है, जहाँ पर तीव्र तूफान उठते हैं जो कि धूल के छोटे छोटे कणों को उठाकर समुद्र में डाल देते हैं और वह समुद्र की लहरों धाराओं से होते हुए प्रवाल क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं और वह प्रवाल के एलगी पर पहुंच जाते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस में दिक्कत होती है, फलस्वरूप कोरल प्रभावित होते हैं। अगला बिंदु है एलनिनो। एलनिनो एक गर्म जल की धारा है जो पेरू के पश्चिम तट से इंडोनेशिया होती हुई इंडियन ओशन जाती है, और उसकी गर्म धारा का क्या प्रभाव पड़ता है आपने यहाँ देख लिया। इस विधि से उस क्षेत्र में आने वाले प्रवाल मारे जाते हैं और हम लोग साउथ चाइना सी, फिजी और ऑस्ट्रेलिया के कोरल सी या ग्रेट बैरियर रीफ तक कोरल का डिपॉजिट मैप में देखे हैं, वहाँ के सभी कोरल नष्ट हो जाते हैं। ये रही प्राकृतिक आपदाएं प्रवाल पर, लेकिन आज मानव भी कम आपदाएं नहीं दे रहा है महासागरों पर। स्वार्थी और वैज्ञानिक मानव महासागरों की तरफ रातों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे कि वह महासागर के जैविक और अजैविक संसाधनों को निकाल सके। परिणाम तो उसका प्रदूषण होगा ही और भुगतना तो प्रवाल को पड़ेगा ही। कैसे, आइए देखते हैं। पहला मानवकृत कारक है ग्लोबल वार्मिंग, पार्थिव ऊष्मन। जैसा कि हम लोग इस समय पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहे हैं, परिणामतः महासागर के जल का तापमान भी बढ़ रहा है, और बस तापमान बढ़ा नहीं कि कोरल ब्लीचिंग हुई। दूसरा है हर्बिसाइड माने तृणनाशक। हम लोग कृषि में तृणनाशक, कीटनाशक, जीवनाशक और विभिन्न रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जो सिंचाई के जल द्वारा अंत में नदियों से होती हुई और यह सब पहुंच जाते हैं महासागर में, जो कि महासागर के जल में घुलकर जल की गुणवत्ता में कमी ला देते हैं, जल प्रदूषित हो जाता है और प्रवाल मारे जाते हैं। अगला है साइनाइड फिशिंग फॉर एक्वेरियम। हम लोग आज अपने घरों में और ऑफिसेज में एक्वेरियम सजाते हैं, जिसमें कि जल होता है, उसमें कुछ वनस्पतियाँ या फाइटोप्लैंक्टन और कुछ अच्छी खूबसूरत रंगीली मछलियाँ होती हैं। उसको सजाने के लिए हम लोग महासागरों से जीवित मछली लाना चाहते हैं, जिसके लिए साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। यह साइनाइड निश्चित रूप से महासागर के जल में घुलकर वहीं रह जाता है, जो प्रवाल और अन्य समुद्री जीवों के लिए घातक होता है। अगला पॉइंट है कुछ प्रदूषक तत्व हैं, जैसे ऑक्सी बेंजोन और ब्यूटिल पैराजेन। ये सब मानव द्वारा महासागरों में किसी न किसी रूप में विसर्जित किए जाते हैं, जो वहाँ के जीव जगत के लिए घातक है। अगला बिंदु है
ओशन एसिडिफिकेशन ड्यू टू इंक्रीज इन CO2। आज हम औद्योगिकरण, नगरीकरण और परिवहन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं। बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जा रही है और वायुमंडल के जलवाष्प से मिलकर यह एसिड बना रही है, विशेषतः कार्बोनिक एसिड, जो अंत में वर्षण द्वारा महासागर के जल में जा रहा है और महासागर के जल की एसिडिटी या अम्लीयता में वृद्धि कर रहा है, जो कोरल और अन्य एलगी तथा फाइटो और जूप्लैंकटन के लिए घातक हैं। अगला पॉइंट है ऑयल एंड अदर केमिकल, तेल और अन्य केमिकल्स भी हम विभिन्न मानवीय क्रियाओं द्वारा, जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल ड्रिलिंग के समय समुद्र में छोड़ देते हैं, जो कोरल के लिए घातक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोरल माइनिंग। जब कोरल जीवित रहते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मरने के बाद इनकी चट्टानों में कैल्शियम अधिक होता है, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। हम जब इसका खनन करते हैं तो उस समय खनन के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्व समुद्र में छूट जाते हैं, जैसे तमिलनाडु के पास खनन के फलस्वरूप प्रवाल विरंजन की रिपोर्ट मिलती है। इस तरह से ये रहा आपका प्राकृतिक कारक और ये रहा मानवीय कारक। प्रकृति अपने द्वारा किए गए अपराध को तो क्षमा कर सकती है, लेकिन मानव के द्वारा किए गए अपराधों की कोई सीमा ही नहीं है, और लालची मानव इन चीज़ों में कमी न करके आगे बढ़ता जा रहा है। इन दोनों का सामूहिक प्रभाव कोरल ब्लीचिंग पर कैसे पड़ता है, इसको हम लोग यहाँ देख लिए। प्रवाल के साथ मिलने वाला यह एलगी जुगसंथलाई विभिन्न प्रदूषणों के कारण यह अपना काम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, क्योंकि ये विरंजित हो जाता है। फोटोसिंथेसिस न करने से इसके शुगर और एमिनो एसिड और लिपिड नहीं सप्लाई कर पाता, जिसके फलस्वरूप की आंतरिक सह अस्तित्व इंडो सिम्बायोसिस अर्थात इस एलगी और इस कोरल के बीच सह अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक दूसरे को आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं, परिणाम स्वरूप कोरल ब्लीचिंग हो जाती है और कोरल मारे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि दुनिया में कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं कहां और कब हुई। इनकी रिपोर्ट वैसे तो बहुत पुरानी है, 1998 में एलनिनो के कारण पश्चिमी प्रशांत में कोरल ब्लीचिंग का पता लगा, लेकिन पुख्ता रिपोर्ट 2010 में कैरेबियन सागर में प्रवाल विरंजन की मिली, और उसके बाद फिर वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता लगा कि 2014 और 17 के दौरान दुनिया के लगभग 70% कोरल डिप्लीट हो गए, ब्लीच्ड हो गए, और उसका प्रमुख कारण था एलिनो का गर्म जल। और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार 2014 और 16 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व ग्रेट बैरियर रीफ के लगभग 29% से लेकर और 50% तक के कोरल मारे गए। इस तरह से प्रवाल विरंजन एक बहुत बड़ी चुनौती है, किसके समक्ष? महासागर विज्ञान वेत्ताओं के समक्ष, पर्यावरण शास्त्रियों के समक्ष और विश्व मानवता के समक्ष। इसलिए हम यदि अपनी मानवीय क्रियाओं को महासागरों में कम नहीं किए तो प्रवाल संरक्षण नहीं होगा, और परिणामतः हमारा जो महासागर का सबसे संपन्न जीवमंडल है, जिसे महासागर का रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, उसका अस्तित्व खतरे में हो जाएगा।